वेलकम अगेन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं हमारे इस लेक्चर में, जिसमें हम एक ऐसे मैथमेटिकल टूल को इंट्रोड्यूस करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में काम में आने वाले, जिसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स से पहले हमें पता होना चाहिए राउंडिंग ऑफ डिजिट एंड साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ आज के हमारे तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम शुरुआत सबसे पहले करेंगे साइंटिफिक नोटेशन से। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है अगर हम इसको देखें तो आपके सामने मैं कुछ फिगर्स लिख रहा हूं, कुछ नंबर्स लिख रहा हूं। आप देखिएगा इनमें से कौन से नंबर दिखने में आपको मोर एप्रोप्रिएट नजर आ रहे हैं अगर मैं इन नंबर्स को आपके सामने रख रहा हूं। सो वी हैव फ्यू नंबर्स विद अस। साइंटिफिक नोटेशन यानी कि एक सिस्टमैटिक वे में किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका होता है ये वाला, जिसमें एक नंबर होता है और उसके बाद डिजिट्स, उसके बाद डेसिमल लगा होता है और उसके बाद बाकी के डिजिट्स रखी होती है। तो किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे करेंगे इसको, अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट के बाद एक डेसिमल यहां ले गए तब भी नंबर नहीं आया क्योंकि नॉन जीरो, ये जीरो है, हमें नॉन जीरो डिजिट चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट यहां पर ले गए, नाउ इट विल बी 3.343। ध्यान से सुनिएगा, एक डिजिट दूसरी डिजिट। इस बार आपने पॉइंट वाली चीज को नॉन पॉइंट में कन्वर्ट किया है, तो जितने डिजिट्स आपने शिफ्ट किए वो 10 की पावर माइनस में लग जाएंगे। एक बार और देखिए, अगर इसकी बात करूं तो कुछ नहीं, 3.434 इनटू 10 इज टू पावर 1 इनटू 10 इज टू पावर नथिंग, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी है। और अगर इसकी बात कर रहे हैं अपन तो देखिएगा इस बार कितनी बार शिफ्ट हो रहा है, ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शिफ्टिंग हो रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 3.43 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शिफ्टिंग हो रही है, कितने पॉइंट्स की शिफ्टिंग हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसलिए माइनस में लगेगा। अगर राइट से शिफ्ट हो रहा है तो मार्किंग कैसे होगी देखिएगा, 3.4341 इंटू, आपके पास राइट शिफ्ट कितना हो रहा है 1, 2, 3, 4, तो 10 इज टू पावर लगेगा 4। आर यू गेटिंग दिस, दोबारा रिपीट करते हैं, पॉइंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं तो माइनस में पावर लगेगी जितने पॉइंट शिफ्ट हुए हैं, और अगर शिफ्टिंग नहीं हुई है तो नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगेन लेफ्ट टू राइट शिफ्टिंग हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो विल पुट -6 है। एंड अगर राइट टू लेफ्ट शिफ्टिंग हुई है तो 1, 2, 3, 4, यानी कि 10 की पावर 4। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, शायद इसके बाद बहुत क्लियर हो जाएगा आप सभी के दिमाग में, 666718, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। तो देखिएगा बहुत इजी है, 10 की पावर में लगाते हुए लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो 6.66718 इनटू 10 इज टू पावर 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इसी में एक दो एग्जांपल्स और अपन लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो कि साइंटिफिक नोटेशन हम कर किस तरह से रहे हैं। देखिएगा मान लीजिए इस बार एग्जाम्पल है 666.743 इनटू 10 इज टू पावर माइनस 3 पहले से लगा हुआ है, और एक एग्जांपल और दिया अपने 0.007783 इनटू 10 इज टू पावर 5। अगर ये दो एग्जांपल्स और आपके सामने लेते हैं तो देखिए किस तरह से अरेंजमेंट हो रहा होगा। इस बार लेफ्ट टू राइट एक पोजीशन लेके जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, तो इसका मतलब 6.6743 लिखेंगे इनटू 10 की पावर माइनस 3 पहले से था, इस बार राइट टू लेफ्ट गए हैं इसलिए प्लस करेंगे, और प्लस कितना करेंगे 1, यानी कि आंसर आ जाएगा 6.6743 इनटू 10 इज टू पावर माइनस 2। दिस इज द करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन। इसके लिए मेरी मदद कीजिए आप सभी, लेफ्ट टू राइट कितना जा रहे हैं 1, 2, 3, तो 7.783 इनटू 10 इज टू पावर 5, और जब भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या लगाते हैं, माइनस, याद करते हैं लेफ्ट टू राइट माइनस, राइट टू लेफ्ट प्लस, ये 10 की पावर में प्लस और माइनस लगने की बात कर रहे हैं। तो बताइएगा कितना गया 1, 2, 3, तो यहां पे लगाएंगे -3, तो फाइनल आंसर विल बी 7.83 इनटू 10 इज टू पावर 2। साइंटिफिक नोटेशन क्लियर है, प्लस माइनस किस तरह से रिप्रेजेंट करना है पावर में, ये हमने एक साइंटिफिक नोटेशन का तरीका सीखा यहां पर। अभी साइंटिफिक नोटेशन के अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट टर्म की, वो है राउंडिंग ऑफ डिजिट। राउंड ऑफ कैसे करेंगे डिजिट्स को, ये सीखते हैं बहुत ही सिंपल सिंपल रूल से, और राउंड ऑफ डिजिट क्यों करने की जरूरत पड़ेगी इसके बारे में भी हम बातचीत करते हैं आपसे। देखिए राउंड ऑफ डिजिट होता क्या है,
उसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको याद करनी है एक पोयम, और वो पोयम हमने बनाई है आपकी आसानी के लिए। एंड व्हाट इज दैट पोयम? कहानी है फाइव से ज्यादा है तो छोड़ दो, अरे उल्टा बोले, फाइव से कम है तो छोड़ दो, फाइव से ज्यादा तो जोड़ दो, राइट? और फाइव अगर है तो क्या करना है प्यारे बच्चों? दिमाग पे जोर दो, पांच से कम छोड़ दो, पांच से ज्यादा जोड़ दो, एंड अगर पांच है तो दिमाग पे जोर दो। कहानी याद हो रही है, पोयम याद हो रही है? फिर से बोलो, पांच से कम है तो छोड़ दो, पांच से ज्यादा है तो जोड़ दो, और पांच है तो दिमाग पे जोड़ दो, जिस जिसमें है वो जोड़ दे। कैसे लगेंगे जोर के बाद? क्या करना है, ध्यान रखना है, इवन है तो छोड़ दो, इवन है तो छोड़ दो, एंड ऑड है तो जोड़ दो। दिस इज द स्टोरी, दिस इज द पोयम। फाइव से कम है तो छोड़ दो, पांच से ज्यादा है तो जोड़ दो, पांच है तो दिमाग पे जोड़ दो, इवन है तो छोड़ दो, और ऑड है तो जोड़ दो। ये एक पोयम हमने, एक दोहा आपको याद कराया, पांच से कम छोड़ दो, पांच से ज्यादा जोड़ दो, पांच है तो दिमाग पे जोड़ दो, दिमाग पे जोड़ देने के बाद फिर से इवन है तो छोड़ दो और ऑड है तो जोड़ दो। क्या मतलब है इस कहानी का, ये हम इस राउंडिंग ऑफ से सीखते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, हमारे पास है 7.734 इंटू 10 की पावर 2। ये कोई साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास पहले से प्रेजेंट है, इस साइंटिफिक नोटेशन को अगर मुझे राउंड ऑफ करना है, यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी, यहां पर कितने नंबर्स यूज हो रहे हैं, कितने डिजिट्स यूज हो रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, अभी मैं थोड़ी देर बाद वर्ड यूज करूंगा आपके साथ, सिग्निफिकेंट फिगर सीखेंगे। यहां पे देखिए कितने डिजिट्स यूज हो रही है, 1, 2, 3, 4, हाउ मेनी डिजिट्स, 4। तो मुझे इसको सिर्फ 3 डिजिट में रिपोर्ट करना है, तो मेरा आंसर क्या होगा, 7.73, क्योंकि ये जो 4 है ये कौन से स्टेप में आ रहा है, 5 से कम में आ रहा है, 5 से कम है तो छोड़ दो, दैट मीन्स वी हैव टू लीव दिस एंड आंसर इज दिस। मान लीजिए यही क्वेश्चन होता 7.736 इंटू 10 की पावर 4, अब क्या करेंगे, मुझे फिर 3 डिजिट तक ही रिपोर्ट करना है मेरा आंसर, इस डिजिट को राउंड ऑफ करना है, तो इस डिजिट को राउंड ऑफ करने के लिए कौन से फॉर्मूला में बैठता है, 5 से ज्यादा है, जब 5 से ज्यादा है तो हम बोलेंगे 7.74 इंटू 10 की पावर 4, 5 से कम छोड़ दो और 5 से ज्यादा है तो जोड़ दो। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि अगर 5 है तो क्या करना है, भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर 5 है तो क्या करना है सीख लेते हैं, 7.745 इंटू 10 की पावर 3, एक क्वेश्चन लिखते हैं, 7.735 दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है, अभी क्या करना है हमें, 7.745 या 7.735 दे रखा है तो 3 डिजिट तक एक्सप्रेस करने के लिए हमें इन दोनों 5 को देखना है। अभी हम क्या करें दोनों 5 को देखने के लिए, सबसे पहले क्या करना है बच्चों, जोड़ देना है, 5 है तो जोड़ देना है, और 5 से पहले वाले को देखना है, 5 से पहले क्या दिख रहा है, इवन या ऑड, 2, 4, 6, 8, अगर ये नंबर है तो यानी कि इवन दे रखा है, आपको छोड़ देना है 5 को, और अगर इससे पहले ऑड है तो क्या करना है, 7.74 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 2 ऐसा लिख देना है, 5 से कम, 5 से ज्यादा और 5, एकदम क्लियर है सभी को, 5 से कम है छोड़ दीजिए, 5 से ज्यादा है जोड़ दीजिए, और 5 है तो दिमाग पे जोड़ दीजिए, उसके बाद किसी भी तरह से सब कुछ इवन कर दीजिए। इवन करने से क्या होगा, जो फाइनल आंसर है वो कोशिश कीजिए 5 आने के बाद इवन रह जाना चाहिए। मैं तो क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टिंग इसमें डिस्कस कर रहा हूं आपसे, उसके बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बातें करेंगे। कौन कौन से दो क्वेश्चन और है देखिएगा, मान लीजिए 0.07839 इसको हमें 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी, 7.839 इंटू 10 इज टू पावर, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, 1, 2 माइनस 2, पहले साइंटिफिक नोटेशन। अब कहां तक राउंड ऑफ करना है, 3 डिजिट तक, तो हमें 3 टच करना है और उससे पहले वाले में रूल लगाना है, कौन सा रूल लगेगा, 5 से ज्यादा है तो जोड़ दो,
जोड़ दीजिए, इट विल बी 7.84 इनटू 10 स्क्वायर माइनस 2। इज इट ओके? अगर राउंड ऑफ के लिए साइंटिफिक नोटेशन नहीं है तो राउंड ऑफ नहीं करना है, राउंड ऑफ हमेशा साइंटिफिक नोटेशन वाले डिजिट्स में ही करना है, वरना गड़बड़ हो सकती है। देखिएगा हमारे पास एग्जांपल है 8885, ये इसको तीन डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। अगर मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में नहीं कन्वर्ट किया तो मेरा आंसर होगा 5 है, 5 है तो जोड़ दिया, इवन है तो छोड़ दिया, मेरा आंसर आ जाएगा 888, जो कि गलत होगा, क्योंकि 8885 कभी भी 888 के बराबर नहीं हो सकता। फिर क्या किया जाए ऐसी स्थिति में, तो देखते हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले हमें साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। साइंटिफिक नोटेशन विल बी 8.85। पूछो क्यों? क्योंकि राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं 1, 2, 3, तो 10 की पावर लग गई 3। अब राउंड ऑफ कर लीजिए 3 डिजिट तक, इट विल बी 8.8 और यहां पर क्या आ जाएगा 8, 10 to power 3। Is it okay? और इसको अगर मैं खोलना चाहूं वापस से तो आ जाएगा 8880। और अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स, वहां पे बताऊंगा कि जीरो का क्या वैल्यू है कि नहीं है, इसके एक्सप्रेशन में काउंट करना है कि नहीं करना है, इसको अपन सिग्निफिकेंट फिगर में थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ओके हाउ टू राउंड ऑफ। एक लास्ट क्वेश्चन और, आप सभी इस क्वेश्चन को सही कर लें ऐसी उम्मीद। एंड द क्वेश्चन इज 0.00965। इसको अगर राउंड ऑफ करना है तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर राउंडिंग ऑफ डिजिट। तो देखिएगा सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर देते हैं, साइंटिफिक नोटेशन बोलते चलिए देखिए साथ साथ वीडियो के साथ 1, 2, 3, तो लेफ्ट टू राइट है इसलिए -3। अभी मुझे दो डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है, ओनली टू डिजिट तक, क्या करूं? नाउ वी हैव टू राउंड ऑफ इन दिस वे। ये 5 से ज्यादा है, नहीं 5 है, 5 पर क्या करना है जोड़ देना है, और इससे पहले इवन है तो छोड़ देना है। बोलो भाई ठीक है क्या? सो साइंटिफिक नोटेशन के बाद अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में इंपॉर्टेंट है, वो है सिग्निफिकेंट फिगर। मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति के हाइट की बात कर रहा हूं, सपोज मैं बात कर रहा हूं अमिताभ बच्चन साहब की हाइट की, तो एक हम बता सकते हैं कि उनकी हाइट है 6 feet, एक ऑप्शन, या फिर हम बोल रहे हैं कि उनकी हाइट है 6.1 feet, यहां बता रहे हैं कि 6.12 feet। अब देखिए 6.1 और 6.12 या 6.122 अप्रोक्सीमेटली दिखने में सब एक जैसी लगती है, अप्रोक्सीमेटली एक जैसी स्थितियां लगती हैं, बट प्रैक्टिकली अगर हम किसी मेजरमेंट की बात करते हैं तो इनमें डिफरेंस होता है। अगर मुझे आलू तोलवाने हैं तो मैं 5 किलो 10 किलो तोलवा सकता हूं, अगर यही काम अगर मुझे कोई अंगूठी तोलवानी है सोने की तो सुनार के पास जाना पड़ेगा और हमें डेसिमल्स में तोलवाना पड़ेगा, हमें 9.824 ग्राम यहां तक तोलवाना पड़ेगा, यानी कि हमें एक हाईली मैग्निफाइड बेटर मशीन चाहिएगी डेसिमल्स के बाद तक के एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए। अब कितना मेजरमेंट की वो डिजिट्स होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए टर्म सीख रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो किसी भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मेजरमेंट में कितनी डिजिट्स इन्वॉल्व हैं जो सर्टेनिटी से नोन है, प्लस वन अनसर्टेन डिजिट को हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हम बोल रहे हैं 7.34 सेंटीमीटर हमने एक डिस्टेंस नापा किसी स्केल से, और एक और स्केल से हमने नापा 7.341 सेंटीमीटर, एंड एक और से हमने नापा दैट इज 7.3 सेंटीमीटर। बताइएगा तीनों में से कौन सा स्केल महंगा स्केल होगा, 7.3, 7.34 या 7.341? तो आंसर इज 7.341, क्योंकि वो गारंटी ले रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन भी इसी में छुपी हुई है। एंड व्हाट इज दैट डेफिनेशन? 7.3 यानी टू डिजिट्स इन्वॉल्व है, 7.34 यानी थ्री डिजिट्स इन्वॉल्व है, 7.341 यानी चार डिजिट्स इन्वॉल्व है। इन दो डिजिट्स में से एक सर्टेन डिजिट है, एक अनसर्टेन डिजिट है, इन तीन डिजिट्स में से दो सर्टेन डिजिट्स है और एक अनसर्टेन डिजिट है,
इन चार डिजिट्स में से तीन सर्टेन डिजिट है और एक अनसर्टेन डिजिट है. व्हाट इज दैट सर्टेन एंड नॉन सर्टेन मींस, अनसर्टेन मींस. यहां पर हम कह रहे हैं या तो ये रिपोर्टिंग 7.2 और 7.4 के बीच में है. व्हाट डू यू मीन दिस, कि 7 इज अ फिक्स्ड डिजिट एंड द नेक्स्ट डिजिट इज अनसर्टेन. तो व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर हियर, 2, एक सर्टेन डिजिट एक अनसर्टेन डिजिट. तो बताइएगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3, 2 सर्टेन और 1 अनसर्टेन. और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 4, 1, 2, 3, 4. तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना कितना आ रहा है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मेजरमेंट पे डिपेंड करने वाला है. किस पे डिपेंड करने वाला है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मेजरमेंट पर. एक और देखिएगा, मान लीजिए अब मैं पूछता हूं 7.4343, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए. सो आंसर इज 1, 2, 3, 4, 5. वेरी सिंपल, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, 5. इसमें से सर्टेन कितनी होंगी, 4, और अनसर्टेन कितनी होगी, 1. अनसर्टेन हमेशा फिक्स है, 1 होगी, और सर्टेन क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी, मेजरमेंट पे डिपेंड करेगी. सो इस तरह से हम शो कर पा रहे हैं कि कितनी डिजिट सर्टेन है और कितनी अनसर्टेन. एक और क्वेश्चन देता हूं यहां पर, 6.0024. अगर ये भी किलोग्राम्स में मेजर किया हुआ मेजरमेंट है तो अब बताइएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी इसकी. तो देखिएगा, अगर हमने रूल्स नहीं सीखे सिग्निफिकेंट फिगर्स के तो दिखने में अपेरेंटली हमें नजर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन द करेक्ट आंसर इज सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर होंगी ओनली 2. सो व्हाट आर द रूल्स, हम कैसे पता लगाए कि सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी. फॉर दैट सेक हमने ये कुछ रूल्स इसके सीखने की कोशिश कर रहे हैं. एंड व्हाट आर दोस रूल्स, इसको अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. तो देखिएगा किस तरह से पता चल पाएगा हमें. सबसे पहली बात, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर. दैट मींस अगर मैं आपसे बोलता हूं 101 रन विराट कोहली ने बनाए तो बताइएगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है. तो रन्स, बॉल्स, एप्पल, मनुष्य, ये सब काउंटिंग में अगर हम ले रहे हैं तो इट हैज नो सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मेजरमेंट्स के लिए होगी. तो अगर काउंटिंग होगी तो नो सिग्निफिकेंट फिगर. दिस इज ओके टू यू, फर्स्ट पॉइंट सीखा हमने. दूसरी बात, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. 1013.4, how many significant figures are there? 1, 2, 3, 4, 5. Zeros proceeding to the first non-zero digits are non-significant. That means 0.00240 agar hai. To dekhiye guys, point ko seekhna hai bahut zaruri. Zeros proceeding to the first non-zero digits are non-significant. 000, isse pehle koi zero non-zero nahi aayi hai, iska matlab ye sab irrelevant hai, no use hai. इसलिए 2, 4, लेकिन क्योंकि जीरो से पहले एक नॉन जीरो डिजिट आ चुकी है इसलिए सिग्निफिकेंट होगा. तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 3. एक एग्जांपल और लेते हैं इसी का. हमारे पास है 0.012010. अब देखिएगा यहाँ पे जीरो काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 जीरो यूज हो रहे हैं. इनमें से ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि इससे पहले नॉन जीरो डिजिट आ चुकी है. ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि इससे पहले नॉन जीरो डिजिट आ चुकी है. लेकिन इन दोनों जीरो से पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं आई है इसलिए ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे. सो व्हाट शुड बी द सिग्निफिकेंट फिगर हियर, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो व्हाट शुड बी द सिग्निफिकेंट फिगर हियर, 6. पॉइंट नंबर 1 रिवाइज कीजिए, काउंटिंग में कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोलनी है. सेकंड, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. थर्ड, zero proceeding to the first non-zero digit are not significant. Now, zeros between two non-zero digits are significant. Yes, two non-zero digits significant. And zeros are on the right side of the decimal points are significant. ये हमने इसके कुछ basic rules सीखे. अब इसी में एक rule और सीखते हैं. And the rule is, वो मैंने यहाँ जानबूझकर नहीं लिखा था पहले से. And the rule is, अगर मान लीजिए हमारे पास है 100 and no decimal is there, तो significant figure क्या होगा? There is no zero, no decimal is there, तो significant figure क्या होगा? तो ध्यान से सुनिएगा भाई, ये बहुत अच्छा question है, बहुत interesting question है. NCERT में line लिखी हुई है इसकी. अगर decimal के नहीं है और zero पे कोई digit add हो रही है,
जितने भी जीरोज आ रहे हैं मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। इसलिए इसके लिए जहां जीरो नहीं है, अगर क्वेश्चन होता 101.00 सेंटीमीटर, यहां पर तो सिग्निफिकेंट फिगर हम लेते 5। लेकिन अगर 100 लिखा है, नो डेसिमल इज देयर, तो सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा अच्छा आंसर है, नॉट सर्टेन। लेकिन ये दोनों जो भी आपको जीरो दिख रहे हैं ये काउंटिंग में नहीं आएंगे। अब बताइएगा, अगर मैं आपसे पूछता हूं 5000 में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो आंसर विल बी 1। लेकिन अगर 5000.0 लिख दिया और ये एक रिकॉर्डेड मेजरमेंट है, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ये सिग्निफिकेंट फिगर कुछ कुछ भेजे में भेजे होंगे आप सभी के, भगवान ने भेजा भेजा तो भेजे में कुछ तो भेजा होगा, और भेजा में भेजा तो फिर साथ में सिग्निफिकेंट फिगर भी आज हमने भिजवा दिया, समा दिया। सिग्निफिकेंट फिगर अभी बच रहे हैं, क्योंकि अगर प्लस या माइनस हो या मल्टीप्लाइड या डिवाइड हो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या रूल्स लगते हैं, क्या एड होते हैं, ये हम देखते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर जब हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जब हम प्लस या माइनस करते हैं, तो उनके लिए थोड़े से रूल्स डिफर हो जाते हैं। दैट मींस मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है 2.01 और हमारे पास है 13.42 और हमारे पास एग्जांपल है 103.201। अगर ये हमारे पास कुछ सम करने के लिए आया है, प्लस या माइनस करने के लिए आया है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो फाइनल आंसर होगा उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। तो देखिए इन सबको नॉर्मल तरह से सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है 118.631। प्लस माइनस करते टाइम जो रूल ध्यान रखना है वो रखना है कि द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। इसमें डेसिमल के बाद 2 है, इसमें डेसिमल के बाद 2 है, इसमें डेसिमल के बाद 3 है, तो हमारा जो आंसर है वो किसी भी कंडीशन में 2 डिजिट से ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। यानी कि हमें क्या करना होगा, राउंड ऑफ। और राउंड ऑफ के लिए मैंने आपको पोयम सिखा रखी है। क्या सिखाई थी पोयम, 5 से ज्यादा है तो छोड़ दो, 5 से ज्यादा है तो जोड़ दो, 5 से कम है तो छोड़ दो, और 5 है तो दिमाग पे जोड़ दो। यहां जो अभी मैंने कुछ समय पहले आपको सिखाई थी उसे आप एक बार देखिए और देखते हैं राउंड ऑफ किस तरह से कर पाएंगे आप। 118.631 अगर हमें दे रखा है तो हमें इस डिजिट को राउंड ऑफ करना है। तो हमारी पोयम जो हमारा दोहा था, एमजे दोहा, उसमें कहां पर वो लगा, 5 से कम है इसलिए छोड़ दीजिए। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा 118.63। राउंड ऑफ कर दिया हमने, राइट। देखिएगा, the result cannot have more digit to the right of the decimal point than either of the original number 2, 2, 3. That means 2 digit तक हमें round off करना था, this will be the answer। इस तरह से plus या minus करने पर decimal के बाद जिन figures को हमने, जिस numbers को हमने plus minus किया है, decimal के बाद जिनमें सबसे कम numbers आ रहे हैं, significant figures आ रहे हैं, उस तक हमारे answer को हमें report करना है। ये हमने किसके लिए rule सीखा है, this rule is meant for प्लस एंड माइनस। तो एक माइनस का एग्जांपल और देखते हैं और फिर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करते हैं। तो मान लीजिए हमें माइनस करना था 112.386 में से हमें माइनस करना है से 9.213 या 21, बस सिर्फ ये माइनस करना है मान लीजिए, तो हमारा फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा, इट विल बी 6, 8 में से बन गया 7, 3 में से बन गया 1 पॉइंट और ये आ गया 103। रूल वही लगेगा, इसमें पॉइंट के बाद 3 डेसिमल है और इसमें पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है, तो हमें इस आंसर को 2 डेसिमल तक रिपोर्ट करना है, यानी कि इस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है। और वही पोयम का हिस्सा फिर लगाते हैं, 5 से ज्यादा है तो 1 जोड़ दीजिए, तो फाइनल आंसर राउंड ऑफ करके हमारे पास आएगा 103.18। इस तरह से प्लस या माइनस के लिए रूल समझ में आ गया है। जिन भी नंबर्स को प्लस माइनस कर रहे हैं उनमें जो सबसे कम डेसिमल के बाद डिजिट्स इन्वॉल्व थी उसमें अपने आंसर को रिपोर्ट करना है। क्यों कर रहे हैं रिपोर्ट, ये सीखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए इतना मीटर कपड़ा हम कहीं से खरीद के लाए
और उसमें से इतना मीटर कपड़ा हमने फाड़ के दे दिया किसी को, तो जो अब बचा हुआ कपड़ा होगा उसमें जो गारंटी डिजिट्स बचेंगी वो दो ही बचेंगी, क्योंकि इस कपड़े का मेजरमेंट, इस क्लोथ का मेजरमेंट जिस भी इंस्ट्रूमेंट से किया होगा वो महंगा वाला था। हमने एक खराब कम सिग्निफिकेंट नंबर वाले मेजरमेंट से उसमें से कपड़ा काट दिया है, तो जो बचा हुआ होगा उसमें जो गारंटी डिजिट बचेगी वो जो कम सिग्निफाइड कम प्रिसाइज जो नंबर जो इंस्ट्रूमेंट था उसके अकॉर्डिंग आंसर को हमें रिपोर्ट करना होगा। अब हम देखते हैं इसी में अगर मल्टीप्लाइड या डिवाइड हो रहा है तो हमारा आंसर हम किस तरह से रिपोर्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट शायद सभी को क्लियर है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन के केस में क्या याद करना है, देखिएगा, मान लीजिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 to 0, 1 to 4 मल्टीप्लाई बाय 2.0 अपॉन 4.0 इंटू 8.00। मान लीजिए ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का कोई फिनोमेना का एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो सबसे पहले हम इसे एक नॉर्मल प्रोसेस से कट कर दीजिए, जो नॉर्मल तरीका है उससे काट दीजिए। देखिएगा जब आप इसको इससे काट रहे हैं तो 64 आंसर आएगा, और इसको इससे काटा तो 4 आंसर आ गया, इसको इससे काटा हमने तो 16 आंसर आ गया, तो फाइनल आंसर 16 आ रहा है। लेकिन 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 क्या करना है हमें इस सिचुएशन में, हमारे आंसर में इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, इसमें सिग्निफिकेंट बट 2 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है, तो रूल क्या कहता है, द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट एज देयर इन द मेजरमेंट ऑफ फ्यूजिंग, जो अदर सिग्निफिकेंट फिगर्स दे रखे हैं, तो 3, 2, 2, 3, तो हमारे आंसर को 2 में रिपोर्ट करना है, इसलिए हमारा आंसर यही सही है, इसमें कोई डेसिमल नहीं लगाना होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, आसान सा एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए 2.1 × 1.92122 इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे बताइएगा, इसमें है 5 और इसमें है 2, तो डेसिमल के बाद नहीं देखना, हमें क्या देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए, इट शुड बी 2। दो तीन एग्जांपल्स में मैथ्स का पार्ट नहीं डिस्कस कर रहा हूं मैं यहां पर, देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूं हमें कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिर से देखते हैं एक क्वेश्चन और, मान लीजिए आंसर है 2.22 × 9.3333 upon 7171 2 × 9.19.2316। बहुत डिफिकल्ट है ये न्यूमेरिकली अगर सॉल्व करना है तो, पर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि इसमें आंसर जो भी आएगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, बहुत इजी है, सिग्निफिकेंट पर बोलिए कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 1, 2, 3, 4, इसमें कितने 4 और इसमें कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो डिवाइड और मल्टीप्लाइड में हमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो भी नंबर दिख रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं सॉल्व करना है तो सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन फाइनल आंसर रिपोर्टिंग के टाइम पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए 3। प्लस माइनस में क्या देखना है, डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर जिस भी नंबर में आ रहे हैं, और मल्टीप्लाई डिवाइड में हमें क्या देखना है, जिसमें भी ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर देखे हैं। अगर इसमें कभी किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए जैसे सिर्फ 1, 2, 5, 3 तो फिर उन्हें कंसिडर नहीं करना है, जो अपने पास एग्जैक्ट आंसर आ रहे होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करनी है, यानी कि अगर मल्टीप्लाई बाय 5 हो तो 1 में सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट नहीं करेंगे। इस तरह से हमने सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स और साथ में हमने साइंटिफिक नोटेशन और साथ में हमने राउंडिंग ऑफ के रूल्स को सीखा। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को, अगले वीडियोस में भी कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए लेके आऊंगा जो बेसिक्स हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के। थैंक यू वेरी मच।